अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, अपनी ईमान में रखे। चलें जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। पहले तो बारिश बनी हुई थी, रात को बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा मौसम है। आज संडे है, बच्चे तो सोए हुए हैं, बस एक बच्चा जो मेरा उठा हुआ है शैतान कहीं का, वो अंदर अभी बैठ रहा है, मैं इसे ले के आती हूँ। साइम आ जाओ, नाश्ता बना के दूँ तुम्हें, कहते कि आप ही मुझे नाश्ता दे बना के, मुझे भूख लगी है। बस अभी उसे नाश्ता बना के दूँ। और अभी तो देखें कितनी ना प्यारी धूप निकल आई है, मैं दिखाती हूँ आपको। अब काफ़ी ज़्यादा ना मौसम चेंज हो रहा है आगे से। रात टाइम तो काफ़ी सर्दी हो जाती है, पंखे के बगैर भी सोया जा सकता है। और ये देखिए मेरा अमरूद कितना बड़ा हो गया, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और नींबू भी अब मेरा माशाल्लाह से ना पौधा देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है अब ना, क्योंकि इसके अंदर खाद डाली थी मैंने तो सही है। इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, फैल चुकी हैं, क्योंकि जड़ें इसकी होंगी तो ये बड़ा भी होगा। अभी ना मैं साइम को उठाऊं और उसे नाश्ता बना के दूं, क्योंकि कह रहा था आप ही आप बस वीडियो बनाती रहें कुछ ना करें। अब मैं उसे उठाऊं देखूं क्या कर रहा है। ये देखें जी, ये नाराज़ होकर बैठा हुआ है मेरे पास। छोड़ो ना बैल चलाना, चलाओ नाश्ता बना के दूं, चलो चलो। ये देखिए ये नाराज़ हो जाता है, इतना तो छोटा सा इसका मुँह होता है, इतना बड़ा हो जाता है गुस्से से। वे बस कर दे गुस्सा तू टाइम, चलो ना। और छोटी तो भी सो रही है, इसने एक बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं उठना, क्योंकि आज संडे है ना, इस वजह से ये लेट उठती है। सैम तुम मेरे साथ बाहर चलो ना, छोटी सो रही है, उसे तंग कर रही हूँ, मोबाइल उसके पास बैठ के चला रही हूँ। चलो मेरे साथ बाहर आओ, चलो भी छोड़ दो गुस्सा, चलो चलो। और अभी तो मैं रूम से बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि सैम के लिए बनाना है नाश्ता। नाश्ता इसको मैं बना के दूँ, वरना इसका शोर नहीं ख़त्म हो। और मैं आई हूँ फ्रिज के पास, आटा निकालूँ शाम के लिए रोटी बनाऊँ, क्योंकि इसको ना जिनको भूख लग जाती है। और अभी लाइट को जलाऊँ, ये जी जला लिया, अभी सारी चीज़ें ले आई हूँ किचन में। और अभी ये मैं सारी चीज़ें वगैरह रख लूँ, उसके लिए प्यारा सा पराठा बनाऊँ शाम के लिए, क्योंकि संडे को इनके पास होता है टाइम घर में फरमाइश करने के लिए कि आप ही मुझे ये बना के दें और ये बना के दें। अभी उसके लिए एक प्यारा सा पराठा बनाऊंगी, वो भी चोरस, जो उसे खाना पसंद है। और ना छोटे बच्चे तो आपको पता है बहुत ही तंग करते हैं, सबसे छोटा है ये घर में से, और छोटी वो इतनी जल्दी नहीं उठती, उसे मैं जो भी दूंगी ना वो चुपचाप सुकून से खा लेगी, लेकिन ये साइम बिल्कुल भी नहीं खाता। मुझे ये नहीं पसंद और मुझे वो नहीं पसंद है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है उसकी ये बातों पर। अभी स्टार्ट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्षमा विलाग। आप लोग फुल वॉच टाइम भी नहीं देते, आपका सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वॉच टाइम भी वीडियो को दिया करें। और अभी ये देखिए जी पराठा तैयार हो चुके हैं शाम के लिए, चूल्हा भी मैंने जला लिया था, अभी इसके ऊपर डाल दूं, इसके लिए एक प्यारा सा पराठा तैयार हो जाएगा उसके खाने के लिए। ये संडे वाले दिन जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि इसको ना जल्दी भूख लग जाती है। अभी बस ये तैयार हो जाना है पराठा, खुद बैठ के अंदर मोबाइल चला रहा है, मैंने कहा चलो दोनों चलते, नहीं जी नहीं आया साथ। और हमारा पराठा ये देखें जी तैयार हो चुका है बन के, ये देखें साइन के लिए फुल तैयार हो चुका है। अभी चूल्हे को ना मैं बंद कर दूं, क्योंकि जल ना जाए। ये देखें कमाल का बन चुका है।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो को थोड़ा सा तो फुल वॉच टाइम दिया करें, हम लोग तो वो भी नहीं देते हैं। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला आपको अपनी जो ईमान में रखे, प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें।